तो कुछ दिन पहले आप सबको बताया था कि फ्री फायर जो है बहुत ही जल्दी इंडिया में अनबैन होने जा रहा है। काफी सारे दोस्त उस वीडियो को देखने के बाद हमें गालियां दे रहे थे। अभी शायद इस न्यूज को सुनने के बाद कोने पे जाके बैठ के रोने वाले हैं। यानी जो उस वीडियो में हमने बताया था वो अभी सच होने जा रहा है। यानी फ्री फायर को बहुत ही जल्दी अपने मोबाइल डिवाइस में डाउनलोड करके खेल पाओगे, लेकिन कब जानना है ना। उसके साथ साथ और भी बहुत ही अच्छे अच्छे अपडेट्स आए हैं जो लॉन्च से पहले आपको जान लेना चाहिए। तो ये छोटा सा वीडियो कहीं भी पसंद आ जाता है तो लाइक कर देना, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसी तरह से इंस्टेंट अपडेट आपका भाई इस चैनल पे देने की कोशिश करता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। बात तो सही है। तो कल अचानक से एक अनाउंसमेंट आता है छोटे से ट्रेलर के साथ, जो ऑन स्क्रीन शुरू से आप ट्रेलर देख पा रहे हो, यही ट्रेलर उन्होंने लॉन्च किए हैं अपने प्ले स्टोर पे या फिर बोल सकते हो उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जिसको देखने के बाद आपको गेम में ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन अभी से ही इस गेम को आप प्री रजिस्टर कर पाओगे। गेम का नाम पहले था फ्री फायर, अभी इंडियन वर्जन है तो इसका नाम थोड़ा चेंज कर दिए हैं। ऑब्वियसली ज्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ हमें फ्री फायर के बाद इंडिया बोलना पड़ेगा, यानी फ्री फायर इंडिया के नाम से इस गेम को लॉन्च करने वाले हैं। तो गरेना इंटरनेशनल 3, जी हाँ गरेना इंटरनेशनल 3 इस गेम को पब्लिश करेंगे, जो पार्टनरशिप किए हैं योटा के साथ। अब इसके बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन यार आ तो रहा है गेम, वही अच्छी बात है हम सभी के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से जाके प्री रजिस्टर कर लेना प्ले स्टोर से, क्योंकि आप इस गेम को, आज कितना डेट है, 1 सितंबर को ये गेम ऑफिशियली रिलीज होने वाला है सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए। ऑब्वियसली इंडियन वर्जन है, इंडिया में ही रिलीज करेंगे और आपको जान के खुशी होगा इस गेम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं MS धोनी जी। यानी धोनी का एक कैरेक्टर भी आपको खेलने को मिलेगा जिसका नाम होगा थाला। सिर्फ वही नहीं, उसके साथ साथ सुनील छेत्री, साइना नेहवाल, लेडर पेस, अगर प्रोनाउंसिएशन पे गलती होता है तो यार माफ कर देना, और आखिर में राहुल चौधरी, तो इन सबको भी आप देखोगे गेम में। और उनका कैरेक्टर भी अभी फिलहाल अनाउंस तो नहीं किया गया है, लेकिन इनको भी बहुत ही जल्दी आप गेम में खेल पाओगे। और साथ में अगर आप इस गेम को खेल खेल के प्रो बन चुके हो तो उसके लिए भी एक गुड न्यूज है, ई स्पोर्ट का बहुत ही बड़ा प्लान है गरेना वालों का। और पहला जो ई स्पोर्ट का इवेंट है इस गेम को लेके, वो शायद सितंबर के एंड में आपको देखने को मिलेगा। उसका रजिस्ट्रेशन भी शायद लॉन्च के बाद ही शुरू हो जाएगा, तो जरूर से रजिस्टर कर लेना ई स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अभी हम सबको 5 सितंबर का ही इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद इस गेम को फिर से हम पुराने जैसे खेल पाएंगे। जो फ्री फायर के लवर है वो तो काफी खुश हो चुके होंगे इस न्यूज को सुनने के बाद, लेकिन जो हमारे दोस्त फ्री फायर को खेलना पसंद नहीं करते, मेरी हिसाब से तो यार सभी गेम रहना चाहिए इंडिया में, ताकि कंपटीशन बना रहे मार्केट में। और जब कंपटीशन बना रहेगा मार्केट में, ऑब्वियसली उससे फायदा किसको होगा, हमें। तो BGMI के बाद फ्री फायर भी अब रिटर्न कर चुका है, अब उम्मीद करते हैं फ्यूचर में कुछ गड़बड़ ना हो। और जो ऑलरेडी बैन हो चुके हैं, अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, और जो फ्यूचर में गेम आने वाले हैं उसे भी अगर इंडिया में रिलीज कर दे तो यार मजा ही आ जाएगा, उससे हमें वैरायटीज मिल जाएंगे गेम खेलने का अपने मोबाइल डिवाइस में। लेकिन यार सभी गेम अगर रिलीज कर देते हैं तो हमारा डिवाइस का स्टोरेज बोलेगा बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। तो आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट करके जरूर बताना, और साथ में ये छोटा सा अपडेट वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो आने वाली इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फ्रेश एंड फाइन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।